नाउ वी विल सी स्टेज टू लव नीड्स रेसीप्रोकल ऑट्रूज्मस्ट्रोमेंटल एग्जाम्पल्स द मेजर फोकस ऑफ दिस स्टेज इज नीड फॉर लव अफेक्शन सेल्फ हैस एंड केयरिंग पीपल आर ऑल्सो सेल्फ प्रोटेक्टिव अब जो हमारा बच्चा है इब्तदाई उमर में तीन से लेके पाँच साल एक से लेके तीन साल दर्जा ब दर्जा इनके अंदर लव की नीड जो हैं वो मौजूद हैं मसल सबसे पहले जो एक से तीन साल या सिफर से तीन साल हैं वो माँ की मोहब्बत बाप की मोहब्बत और जो भी केयर गिवर होगा आपने देखा होगा कि एक साल के बाद बच्चे चूंकि अमूमन लोग उनको गोद में उठा के फिरते हैं तो जो गोद में ज्यादा उठा के फिरता है वो उसकी तरफ ज्यादा टेम्प्ट करते हैं कि वो उनको उठाए उनको लगता है यही उनकी ज़रूरत है तो वो अपने इंटरेस्ट की हिफाजत करना अभी से जान जाते हैं और सेल्फ प्रोटेक्टिव हो जाते हैं तो ये जो सिलसिला है ये इस तरह से चलता है कि जितने भी उनके केयर गिवर्स हैं ख्वाब माँ बाप हैं या कोई और है या सिबलिंग्स हैं वो उनके साथ अटैच होते हैं उनसे प्यार करते हैं और उनका प्यार पसंद करते हैं और उसके लिए वो कोशिश करते हैं कि वो उनको प्यार अगर वो नहीं करीब आता या कुछ तो अगर वो रोने की उम्र में है तो रोना शुरू कर देंगे कि उनको उठाया क्यों नहीं गया उनको प्यार क्यों नहीं किया गया या उनको करीब क्यों नहीं लाया गया देन नीड फॉर कंपेनियनशिप जब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तीन साल की उम्र में ढाई साल की उम्र में तो वो आपने देखा है अकेला खेलने की बजाय साथियों में खेलना पसंद करता है क्योंकि उसको लगता है कि वो वहाँ पे बातचीत कर सकता है इंटरेक्ट कर सकता है तो यहाँ उसकी एफिलिएशन बन जाती है ख्वाब वो लड़ाई मार कुटाई होती रहती है लेकिन फिर भी वो बच्चे एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं बेशक ऐसा अक्सर होता है कि वो एक साथ बैठ के अलग अलग खेल खेल, खेल रहे होते बिल्कुल उनको एक दूसरे की परवाह नहीं होती लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के करीब बैठना पसंद करते हैं क्योंकि जो कुर्बत की ख्वाहिश है ख्वा वो पेरेंट्स के साथ हो वो दोस्तों के साथ हो यानी जो इर्द गिर्द के बच्चे हैं उनके साथ हो या कोई भी केयर गिवर ये उनके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है और बड़ी अहमियत रखती है सो फ्रेंडशिप एंड पीयर रिलेशनशिप्स जब थोड़ा बच्चे बड़े होते हैं तो फिर दोस्ती भी करते हैं और दोस्ती के बारे में उनको ये भी पता है कि ये गिव एंड टेक का रिश्ता है इसमें अगर वो किसी का भला करेंगे तो वो उनका भला करेगा कोई टॉय या कोई चीज़ अगर वो किसी को देंगे तो बदले में वो भी उनको देगा वो उससे अच्छे से बात करेंगे वो भी अच्छे से बात करेगा तो आहिस्ता आस्ता उनकी ये अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि दूसरों का भला करने में उनका अपना भला है यहीं से दोस्ती की इब्तदा होती है और यहीं से उनका एक सोशल सर्कल बनना शुरू होता है और उस उसमें वालदेन हो खास उसमें उनके क्लास फेलोज हो या दूसरे बच्चे हों या उनका उस्ताद हो अब यहां पे वो जैसे मैंने अर्ज किया कोलबर्ग भी अपनी दूसरी स्टेज में इसको इंस्ट्रूमेंटल ऑल्ट्रुजम कहता है उसका ख्याल है कि यहां बच्चे ये यह सीख जाते हैं गिव एंड टेक का रिश्ता कि अगर हम किसी का भला करेंगे तो वो भी मेरा भला करेगा आई विल स्क्रैच योर बैग एंड यू विल स्क्रैच माई बैग ये एक बड़ा स्लोगन है इस स्टेज का कि मैं आपका फ़ायदा करता हूँ आप मेरा फायदा करें मैं आपको फलां टॉय दूंगा आप मुझे फलाँ दे दें मैं आपके साथ मिल के खेलूंगा आप मेरे साथ मिल के खेलेंगे तो एक दोस्ती का रिश्ता बनता है और एक दूसरे के लिए छोटे छोटे ऑल्ट्रोइम के काम होते हैं ऑल्ट्रोइम समझते हैं ना भलाई करना किसी का भला करना किसी के साथ अच्छा सलूक करना और कई दफ़ा अपनी ज़ात से बढ़ के भी जैसे मुझे भी उस टॉय की जरूरत है लेकिन मैं दूसरे को इसलिए दे रहा हूँ कि भाई मुझे भी हो सकता है जरूरत पड़ जाए इसके टॉय की सो पीपल एट दिस स्टेज ट अदर पीपल ऑल्सो है फो दे रिगार्ड रेसिप्रोकली ऑल ट्रूस्टिक बिहेवियर एज अ डिजायरेबल एक्ट अब उनको ये पता चलता है कि जो जिस तरह से मैं खुश होता हूँ ना टॉय लेके इस तरह दूसरा भी खुश होता है अगर मेरी मदद की जाए मुझे कोई चीज़ ला के दी जाए पानी पिलाया जाए या जा खाना दिया जाए या जा शेयर किया जाए तो हो सकता है दूसरा भी इस तरह से खुश होता तो अब वो थोड़ा शेयर करना भी शुरू करता है रेसिप्रोकल है ना मैं इसको दूंगा मैं इसको बिस्किट दूंगा तो वो मेरे साथ एक टॉफी शेयर कर लेगा तो अब रेसिप्रोकल होने की वजह से उसको गिव एंड टेक का पता चल जाता है फिर इसी से जैसे मैंने अर्ज किया फ्रेंडशिप इवॉल्व होती है फिर जो बच्चे ज्यादा गिव एंड टेक करते हैं वो ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं जो बच्चा उनको कोई चीज़ देता नहीं सिर्फ लेना चाहता है उससे उनकी इतनी ज़्यादा दोस्ती नहीं बनती तो ये वो सारी स्टेजेस हैं जिसपे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता दूसरों के नीड्स के बारे में उनके इंटरेस्ट के बारे में और तो और उनकी खुशी और दुख के बारे में भी एहसास करना शुरू हो जाते हैं कि ये भी हमारी ही तरह के इंसान हैं इनकी भी हमारी ही तरह की ज़रूरतें हैं और हमारी तरह ही की खुशियाँ हैं